फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इमली की चटनी और वो भी बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। इसे आप दही बड़े, चाट और भेलपुरी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इमली की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे इमली। इमली आप जितना चटनी बनाना हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने लिया है 150 ग्राम इमली। इसे भिगोकर हमने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया है। तो 2 से 3 घंटा हो चुका है, इमली हमारा फूल चुका है अच्छे से। अब इसको मसल के हम पल्प निकालेंगे। उसके पहले हम मसाले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे, क्योंकि मसालों से ही इसका टेस्ट आने वाला है। तो मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच लेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 150 ग्राम गुड़ और मेलन सीड और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी और गुड़ का जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा चटनी में आता है। तो चलिए इनको साइड में रख लेते हैं, और पहले हम इन पल्प को, इमली के पल्प को मसल कर हम अलग कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से धीरे धीरे मसल लेना है, सारा पल्प आराम से निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से देखिए, सारा पल्प निकल गया। इसे और थोड़ा सा मसल लेंगे, और मसल कर हम इसे एक छलनी में छान लेंगे। इस तरह से एक छलनी लेंगे और उसमें डाल देंगे तो सारा पल्प निकल जाएगा इसका, इस तरह से। और हाथों से मसल मसल के इसका हम पल्प निकाल लेंगे। तो निकल के सारा पल्प आसानी से। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 चम्मच पानी डालकर और अच्छे से मसल कर इसका हम और भी थोड़ा बहुत जो पल्प रह गया वो भी निकल जाएगा। थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के इसे मसल कर निकाल लेंगे। इस तरह से सारा पल्प निकल जाएगा। देखिए सारा पल्प बहुत आसानी से निकल गया। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा और इसे थोड़ा क्रैकर होने देंगे। अब इसमें इमली का सारा पल्प हम डाल देंगे और इसे एक बॉयल आने देंगे। इसे चलाते रहेंगे हम, लगातार हमें चलाते रहना है इसको। एक बॉयल आ चुका है, इसमें हम डाल देंगे गुड़। गुड़ को इसी टाइम डालकर गुड़ और इमली को हम एक साथ पकाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट भी हो जाएगा और दोनों एक साथ अच्छे से पक भी जाएंगे। दोनों को हमें पकाना है एक साथ 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से चलाते रहना है इसे बीच बीच में। इसे अच्छे से देखिए, एक बॉयल आ गया है और अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, और इसमें इसी के साथ हम चीनी भी ऐड कर देंगे। इसी में दोनों साथ में पक जाएगा और चीनी भी मेल्ट हो जाएगा। मसाले जो थे सारे मसाले एक साथ हम इसमें डाल देंगे। इन मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी। सौंफ वगैरह डालने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और इसी में हम ड्राई फ्रूट्स, मेलन सीड और किशमिश डाल देंगे। फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सब भी डाल सकते हैं आप। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें रेगुलर नमक। इससे भी बहुत टेस्ट अच्छी आएगी चटनी में, खट्टी मिट्टी चटनी हमारी बनकर रेडी होगी। तो इन्हें 1 से 2 मिनट और हम पकाएंगे, और चटनी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसमें चाहें तो पिंच ऑफ आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चटनी में बहुत अच्छी कलर आई हुई है, तो इसलिए फूड कलर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ठंडी हमारी चटनी हमारी ठंडी हो गई। तो इसे हम किसी कंटेनर में डालकर
इसे ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में डालकर महीनों तक यूज कर सकते हैं। देखिए चटनी हमारी बिल्कुल अच्छी से बन के रेडी हो गई है। आप इसे दही बड़े, चाट या भेल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चटनी है। एयर टाइट कंटेनर में इसे तो चटनी हमारी बनके रेडी हो गई। चटनी हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।